Hello, good morning everyone. I'm Vanna here. तो फुल मतलब आज मैं आपके साथ इसलिए लाइव हुई हूँ कि चलो थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। अभी सभी लॉकडाउन के टाइम पे सारे बहुत बोर हो रहे हैं घर पे। तो बोर नहीं होना चाहिए एक्चुअली, इस चीज़ को एक तरह से आपको एज एन अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। जो तो स्टूडेंट्स हैं जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये टाइम अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज़ करना चाहिए। वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। और जो लोग कोई हेल्थ फिटनेस को फॉलो कर रहे हैं, वो अपना ये टाइम उसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बुरे टाइम को बुरा ना समझें, ये टाइम को एक एज एन अपॉर्चुनिटी लें और वो करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो इससे क्या है कि आपको तो पॉजिटिविटी आएगी और इट विल हेल्प यू टू किल टाइम। जो आप सारा दिन घर पे बैठे, कुछ लोग फ़ोन्स में बहुत बिज़ी हैं, कुछ लोग टीवी में बहुत बिज़ी हैं, तो यही मेरा छोटा सा एडवाइस है कि थोड़ा टाइम अपनी फिटनेस को ज़रूर दें, और जिससे आप एक्टिव रहेंगे, आपका माइंड शांत रहेगा और आपकी एक रूटीन बनेगी। ये टाइम आप यूटिलाइज़ करें अपनी एक रूटीन बनाने में। तो जैसे कि अगर मैं अपनी रूटीन बताऊं, तो आई यूटिलाइज माय टाइम रीडिंग बुक्स, और फिर फ्री टाइम में कुछ वॉक कर लिया, कुछ अपनी यू नो एक्सरसाइज रजीम फॉलो कर ली। तो इस तरह से आप क्या है कि एक तो आपको बोरियत बोर्डम नहीं फील होगा, और सेकेंडली आपका टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। सो रादर देन कंप्लेनिंग, शो सम ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स एवरीथिंग, बिकॉज जो लोग भी अपने घरों में बैठे हैं और जिनको सब कुछ मिल रहा है, लाइक फूड की अगर बात करें और शेल्टर की बात करें, तो दे शुड फील लकी, दे आर लकी पीपल बिकॉज दे कैन अफोर्ड लिविंग एज वेल एज यू नो बेसिक जो भी हमारी फैसिलिटीज़ होती हैं। वो लोग जो डेली यू नो वेज अर्नर्स, जो खाना भी नहीं अपना मीन्स खुद से वो कर पा रहे इस समय पे, ठीक है, जो कि उन लोगों के लिए कितना मुश्किल है। तो हम जो लोग बिल्कुल घरों में सेफ़ हैं, सेफ़ बैठे हैं, सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है हमें, तो बिल्कुल भी अपने दिमाग को परेशान नहीं करना और खुश रहने की कोशिश करनी है। टाइम मिलता है तो मेडिटेशन करें, पॉजिटिव वाइब्स यू नो जनरेट करें, जिससे क्या होगा कि आप अपने आसपास भी एक यू नो एक खुशनुमा माहौल बना सकते हैं। सो दैट्स माय लिटिल एडवाइस। बाकी मैं कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं, मैं भी आप जैसी ही हूँ, बस आई एम ट्राइंग टू स्टे एक्टिव एंड स्टे मोटिवेटेड, एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्राइंग टू स्टे हैप्पी इन दिस यू नो टफ टाइम। सो थैंक यू सो मच, बाय।